आज जो मैं लेवल लेने वाला हूँ, सतह लेने वाला हूँ, वो सबसे अहम है इस सारे मॉडल, सेल्फ इम्प्रूवमेंट मॉडल की। तो इस वीडियो को आप लाजिम आखिरी तक देखें। जब आप इस चैनल पर नए हैं तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली वीडियो सेल्फ इम्प्रूवमेंट और सेल्फ डेवलपमेंट की मिलती रहे। जब आपको इस वीडियो से फ़ायदा हुआ तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इस वीडियो को औरों से शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट कर कर बताएं कि आपको इस वीडियो से क्या नई सीख मिली है। मैं रिकमेंड करूंगा आप इस वीडियो को आखिरी तक देखें ताकि आपको इस टॉपिक की कंप्लीट पिक्चर, कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग मिले। तो आइए शुरू करते हैं। जो लेवल मैं आज आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं वो है बिलीव्स एंड वैल्यूज, यानी आपके वो अकायद और वो आपकी अकदार। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये जिंदगी के हर लम्हे में, हर स्पेस में, हर जगह आपके लिए ये कारामत साबित होते हैं, और अगर आप इसको अपने लिए महदूद करें तो फिर आपके लिए वो इंतहाई नुकसानदेह साबित होते हैं। मैं इसकी मिसालें दूंगा आपको ताकि आप उसको समझें। तो बिलीव क्या होते हैं? अकायद, यानी एक छोटी सी छोटी, अगर आप बिलीव लें कि किसी का ये बिलीव है कि ठंडा पानी पीने से नज़ला हो जाता है, अगर ये बात हक होती तो, फैक्ट होती, तो फिर हर एक के लिए ये नाफिज होने लगती, मगर ऐसा नहीं होता। तो अगर आप इसकी डिटेल्स में जाए बगैर, अगर आप इसको अपने लिए एक लिमिटिंग बिलीफ बना लें और फिर आपके लिए ये खुद आपके लिए एक मसला बने। मसलन इसको तो मैं आपको समझाने के लिए बताया हूँ, लेकिन ऐसे कई लिमिटिंग बिलीफ होते हैं। लोग अगर ये समझते हैं कि मैं अगर सुबह के बाद सो नहीं तो मेरे मुझे सर में दर्द होगा, तो ये एक बिलीफ है। लाजिम नहीं कि ये बिलीफ हर एक के लिए इफेक्टिव हो। शायद आपकी जहन में ये बिलीफ किसी वजह से आ गया हो, इसके कई वजूहत हो सकते हैं। लेकिन अगर आपका ये बिलीफ आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है और आप सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से कि मुझे सर में दर्द ना हो और मैं इसीलिए सो जा रहा हूँ, तो फिर शायद ये आपके लिए बेहतर साबित ना हो, क्योंकि आपके वो जो अहम काम है आप वो कर नहीं पा रहे हैं और सिर्फ एक बिना पर आप अपने आप को रोके रखे हैं। तो ये अकायद आपको आपकी बेहतरी के लिए नुकसानदेह साबित हो सकते हैं, और ऐसे कई और बिलीव हो सकते हैं जो आपको बेहतरी की तरफ भी ले जा सकते हैं। मसलन अगर किसी ने ये यकीन कर लिया, ये बिलीफ है कि जो है सुबह जब वो उठेगा तो उसकी सेहत में इजाफा होगा, वो कामों में बेहतरी से अपने आप को दे सकेगा, उसका जो अंजाम रिजल्ट्स अंजाम होंगे वो उसके लिए फायदा देंगे, तो चाहे कुछ हो वो ये देखेगा कि उसके बिलीफ के खातिर वो रात को जल्दी सोए, अपना सेहत का ख्याल करे और सुबह जल्दी उठे। तो फिर ये बिलीव अकायद है। फिर वैल्यूज क्या चीज है? वैल्यूज है कि आपके आपके क्या क्राइटेरिया हैं, आपके लिए जिंदगी में क्या अहम है। व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू यू इज एक्चुअली द क्वेश्चन, कि सवाल ये है कि आपकी जिंदगी में क्या अहमियत के हामिल है। मसलन आपके पास आपकी सेहत इंपॉर्टेंट है तो आप देखते हैं कि आपका रात का सोना आपके लिए लाजिम होता है, क्योंकि आपकी वैल्यू है कि आप सुबह किसी भी हाल रोज उठें। तो आप ये नहीं देखते हैं कि आपके पास कोई ऐसी दावत आ गई है जहां आपको मालूम है कि इसमें बहुत देर होगी, तो आप देखते हैं आप सिर्फ उसमें शिरकत करेंगे और वापस आ जाएंगे, क्योंकि आपको मालूम है कल के दिन मुझे सुबह उठने में तकलीफ होगी। कई ऐसे वजूहत हो सकते हैं जो आपको इत्मीनान नहीं देते हैं। तो आपकी वैल्यू ये है कि आप रात में जल्दी सोएं, तो आप उसको कंपनसेट करेंगे कुछ वक्त के लिए, लेकिन आप रात को जल्दी सोएंगे ताकि आपकी जो वैल्यू है, जो आपकी जिंदगी में इंपॉर्टेंस है सुबह उठने की, वो बरकरार रहे। तो जब आपके वैल्यूज क्लियर होते हैं तो आपको, आपके इरदार जब क्लियर होते हैं तो आपकी जिंदगी बहुत जो है सही डायरेक्शन में जाते रहती है। तो ये मिसालें हैं। और जब बिलीव्स ऐसी चीज है जो मैंने आपके सामने पहली सतह रखी है, जो एनवायरनमेंट यानी माहौल, उसके बाद है बिहेवियर्स यानी रवैये, उसके बाद है कैपेबिलिटीज और स्किल्स यानी आपकी वो सलाहियतें और आपके वो महारतें, ये सारी चीजें आपके बिलीव्स पर मुनहसर होती है। ये किस तरीके से हो सकती है, इसकी काफी तवील टॉपिक है। मैं आपको इसमें सिर्फ एक जनरल व्यू दे रहा हूं ताकि उमूमी तरीके से आपको इस लेवल की समझ हो और फिर आप अपनी जिंदगी में ये देखें कि आपके क्या वैल्यूज हैं। मैं आपको इस वीडियो के जरिए से आपको एक छोटी सिंपल एक्सरसाइज दे रहा हूं, वो ये है कि आप एक पेपर और पेन ले, सुबह के वक्त हो तो ज्यादा बेहतर होगा, और आप हर अपने जो है महाज पर, अपने एरियाज ऑफ लाइफ पर तीन ऐसे वैल्यूज लिखें, तीन ऐसे वर्ड्स लिखें जो आपकी जिंदगी को असरअंदाज करते हैं, आपके लिए फायदा देते हैं। मसलन आपकी हेल्थ के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, क्या वैल्यूज हैं, क्या चीजें हैं, आपकी जो है फाइनेंशियल लाइफ में आपके क्या वैल्यूज हैं, आपकी जो है फैमिली लाइफ में आपके क्या वैल्यूज हैं, रेस्पेक्ट हो सकती है या फिर आपका जो है
जो भी चीजें आपके जहन में आती रही आप उसको बिला झिझक विदाउट एनी जजमेंट आप उसको लिखें और देखें कि आपके पास ये वैल्यूज आप कितनी हद तक इस पे अमल पैरा हो रहे हैं। तो ये मुख्तसर सा तारुफ है बिलीफ यानी आपके क्या अकायदे हैं और आपके वैल्यूज आपकी क्या अकदार हैं। जब आप इस पर अपने लिए काम करते रहेंगे तो आप देखते हैं कि बहुत सारी चीजें जो आपके लिए गैर जरूरी है आपने उसको बहुत बड़ा चढ़ा दिया है आप उसको नीचे ले जा सकते हैं वैल्यूज में। आप जब लिस्ट बनाएंगे तो आपको बहुत सारी क्लैरिटी होगी। मैं कोचिंग सेशंस में भी लोगों के लिए इस तरीके की हेल्प करता हूं ताकि ये भी अपने वैल्यूज को समझें आपके क्या अकदार हैं आपकी जिंदगी में क्या इंपॉर्टेंट है आपकी क्या प्रायोरिटीज हैं और क्या प्रायोरिटीज आप पूरी तरीके से अंजाम दे रहे हैं और किस प्रायोरिटीज को आपने पीछे पूछ डाल दिया और फिर आप परेशान हैं कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। मसलन प्रोक्रेस्टिनेशन है या फिर सेहत के मामले हैं या कमाने के मामले हो आपके लिए तो वही इकदार अहम है लेकिन आपने कई और वजूहत की वजह से या कोई तनाज़े की वजह से आपने उस वैल्यू को उस अहमियत को आपने उस लेवल को उस प्रायोरिटी को आपने अहमियत नहीं दी और फिर आपके लिए वो कोई मुश्किल और फिर आपके लिए नुकसान का सबब बन सकते हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जो बिलीव और वैल्यूज़ पर मुनसर हैं। इंशाल्लाह फिर आने वाली वीडियोज़ में इसकी ऊपर वाली सतह भी आपके साथ डिस्कस करूंगा। आपको इस वीडियो से जो भी फ़ायदा हुआ है ज़रूर इसको आप कमेंट के जरिए से बताएं लाइक करें इस वीडियो को और लोगों से शेयर करें। और आपने इस वीडियो इस चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुका है तो जज़ाकअल्लाह खैर। इंशाल्लाह फिर नई वीडियो के साथ हाजिर हूँगा। जब तक के लिए अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।